मध्य प्रदेश के सूबेदार शिवराज में उनकी बहनों के साथ यह कैसा सलूक किया जा रहा है। कोई कोरोना मरीज बताकर अस्पताल से भागा रहा है तो कोई डिलीवरी के नाम पर गरीब बेगा आदिवासियों से पैसे की मांग कर रहा है। एक तरफ पूरे देश में डॉक्टर नर्सों को लोग भगवान मानते हुए उन कोरोना वॉरियर्स कहकर जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ चंद पैसों के लिए कुछ डॉक्टर और नर्स इस पैसे को बदनाम करने से नहीं चूक रहे हैं। मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का है, जहां चांगो टोला अस्पताल में एक आदिवासी महिला के साथ अमानवीकृत किया गया। बताया जाता है कि गर्भवती आदिवासी महिला सोमकली उइके को डिलीवरी के लिए आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी ठाकरे ने नज़दीकी अस्पताल चांगो टोला में भर्ती कराया था, जहां सोमकली ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। किंतु सोमकली पर आरोप लगाते हुए अस्पताल में पदस्थ नर्स दीप्ति चौधरी ने उसे यह कहकर अस्पताल से निकाल दिया कि तुम्हें कोरोना है, तुम्हें सर्दी खांसी जुकाम के लक्षण हैं, तुम चांगो टोला अस्पताल क्यों आए, तुम्हें बालाघाट जिला अस्पताल जाना था। और प्रसव के एक घंटे बाद ही उसे अस्पताल से निकाल दिया गया। साथ ही महिला का आरोप है कि नर्स ने प्रसव करने के लिए जो समय खराब किया उसके हर्जाना के स्वरूप 2000 रुपये की मांग की। ये प्रसूति महिला यहाँ से ग्राम चन्नीवाड़ा से 2 किलोमीटर बाहर भट्टा है, वहाँ पे ये काम करने आई थी जी और उइके के यहाँ। और इसकी जानकारी ये नहीं थी हम लोगों की ये प्रेग्नेंट है, ये है कुछ भी, और ना हमारे यहाँ कोई टीकाकरण करवाई इनने, ना कोई पोषण आहार का लाभ ले रही थी, ये अपना खुरसुड़ों से ही लाभ ले रही थी। लेकिन कल मतलब इनने जानकारी दी जीवन उइके ने कि इसको मतलब पेन आ रहा है डिलीवरी के, तो आप 108 बुला दो। तो हमने 108 बुला दिए और चामुंडला हॉस्पिटल भेज दिए। दीप्ति बिसेन को फ़ोन भी कर दिए कि डिलीवरी केस आ रहा है, आप आ जाना, खुरसुड़ा का था, हमारे यहाँ प्रवासी में है वो जी। तो आप इसको सुविधा दो। अब उसके बाद इनके साथ डिलीवरी सब अच्छी हो गई, इनने फ़ोन भी किए जीवन उइके ने कि डिलीवरी हो गई। अब डिलीवरी होने के बाद इन लोग बाद में जब आए प्रसूता को लेके तो बताने लगे, वहीं से फ़ोन किए कि परेशान कर रही है, डांट रही है, इसको कोरोना हो गया है, इसको तुमने क्यों भेजे। मेरे को भी फ़ोन की कि बोले इसको, इस महिला को कोरोना हो गया है, तुमने बिना जांच करे क्यों भेज दिया यहाँ पे, इनको बालाघाट भेजना था, यहाँ मेरे यहाँ क्यों भेज दिए, मेरे को क्यों बुलाए करके मेरे को फ़ोन पर चिल्लाने लगी। अभी तो किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स उनमें दिख ही नहीं रहा है, वो तो स्वास्थ्य दिख रहे हैं पूरे, किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स तो दिखी नहीं। अभी उसमें अभी भी कोई सिम्टम्स नहीं है। रात को जब इन लोगों ने बताया कि मैडम चिल्ला रही है कि इसको कोरोना है, मैं फ़ोन में मेरे से भी बोली कि इसको कोरोना है, तुमने इनको क्यों भेज दिया, आशा कार्यकर्ता का बनता है कि कर, जबकि ऐसे कोई सिम्टम्स में थे नहीं। इनने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं, ना इनको बुखार है, ना सर्दी है, खांसी, कुछ भी कोई ऐसे लक्षण नहीं है। महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार और पैसे मांगने के मामले में नर्स दीप्ति चौधरी से जानकारी ली गई तो उन्होंने सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया और ना ही उनसे कोई पैसे की मांग की गई। खैर जो भी हो, यह सच्चाई तो अब उन दोनों के बीच में है। लेकिन इस बीच यह भी खबर प्राप्त हुई कि चांगो टोला अस्पताल में प्रसव के नाम पर पैसे लेना फैशन बन गया है। तो वहीं नर्स दीप्ति चौधरी पर पहले भी लापरवाही के आरोप लगते आए हैं। बताया जाता है कि विगत वर्ष एक बेगा आदिवासी महिला के प्रसव में लापरवाही करने के मामले में नर्स दीप्ति को सस्पेंड कर दिया गया था। अब एक बार फिर दीप्ति पर पैसे मांगने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो जांच का विषय है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लग रहा, सब बढ़िया स्वस्थ है, बच्चा भी स्वस्थ है और महिला भी स्वस्थ है। क्या है कल से हमको 7 महीने से ही लोकल में रहना, तो कोरोना के लक्षण तो संभावना है ही नहीं होने की जी। और पूरे हमने जांच कर ही लिया, इस तरह से कोई समस्या ही नहीं है। क्या नाम होता तो शाम का, तो अभी तक उसका कोई वो हो जाता होता तो अभी तक भी तो कोरोना रहता है ना। स्वस्थ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई को, ऐसा कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है उसके। क्या नाम सर? मैं डॉक्टर के मेडिकल ऑफिसर। तो वहीं नर्स द्वारा कोरोना मरीज बताने के बाद आदिवासी महिला का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, थर्मल स्कैनिंग की गई, जिसमें ऐसे कोई लक्षण सामने नहीं आए। बालाघाट से राष्ट्रमाण ब्यूरो की रिपोर्ट।
अपने हमारा चैनल राष्ट्रवाण सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।